हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर चल रही अटकलें अपडेट्स की, तो जिस प्रकार से अभी चुनाव संपन्न हुए हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, अब बात ये चल रही है कि अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम पर खतरा चल रहा है, क्योंकि इन राज्यों में सरकार चेंज हो चुकी है और अब वो जो नई सरकार आई है यानी कि बीजेपी भाजपा, वो जो पुरानी पेंशन स्कीम यहाँ पर लागू की गई उसको ख़त्म कर देगी। इस प्रकार की अटकलें अपडेट्स चल रहे हैं, पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। चंद्र पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम पर खतरा बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ की सरकार ने OPS लागू कर दिया था कर्मचारियों के लिए, लेकिन अब वापस NPS को यहाँ पर लागू किया जा सकता है, इस प्रकार की खबरें आ रही है। क्योंकि जो मौजूदा सरकार आई है वो नहीं चाहती ओल्ड पेंशन स्कीम, और PM मोदी भी इस प्रकार की कर चुके हैं आलोचना इस पेंशन स्कीम को लेकर। और हो सकता है कि NPS को जब वापस लागू किया जाए तो इसी में ही संशोधन करके, ऐसी कई पहले भी खबरें आ चुकी है कि इसमें कुछ जो है OPS जैसे सिस्टम जो है लागू किया जाए। तो फिलहाल OPS के पक्ष में ये सरकार नहीं है और इसमें NPS में बदलाव किया जा सकता है। OPS को लेकर काफ़ी अटकलें चल रही है। कांग्रेस सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन व्यवस्था पर अब खतरा मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है। उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। देश में किसी भी सूरत में OPS लागू नहीं किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस विषय में अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। NPS में सुधार के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद NPS में बदलाव किया जा सकता है, यानी NPS का जो सिस्टम है उसमें कुछ और अपडेट्स जोड़ के चेंजेस किया जा सकता है, लेकिन OPS लागू नहीं किया जाएगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी कहा है कि ये संभावना नहीं बल्कि तय समझे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म ही हो सकती है। इस बाबत NMOPS की कार्यकारिणी की बैठक में भी विचार होगा। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होने तक कर्मचारियों का आंदोलन भी जारी रहेगा। इसके साथ ही विजय कुमार बंधु ने बताया कि राजस्थान सहित दूसरे प्रदेशों के चुनाव में भी OPS एक प्रमुख मुद्दा रहा है। तो कर्मचारियों से जुड़ा हुआ ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। अगर ये सरकार है दोबारा NPS लागू कर देगी इन स्टेट में, तो ये एक बड़ी कर्मचारियों के लिए दुखद खबर ही होगी, क्योंकि जिस प्रकार से इसको लागू कर दिया गया था OPS, तो कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह था, काफ़ी उमंग थी, पेंशन का सहारा था बुढ़ापे में। अब अगर NPS लागू कर दिया गया तो कर्मचारियों के लिए काफ़ी दुख भरी खबर होगी। केंद्र सरकार की तरफ से कई बार OPS को लेकर बयान सामने आए हैं। इनमें कहा जा रहा है कि जो राज्य पुरानी पेंशन लागू कर रहे हैं वहाँ पर भविष्य में वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में राज्यों को विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को भी बंद किया जा सकता है। PM मोदी ने भी इस तरह की स्कीम को शॉर्टकट पॉलिटिक्स का नाम दिया था। राजनीतिक दलों को ऐसी घोषणाओं से बचना चाहिए, ऐसी राजनीतिक देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगी, ऐसा कहना है PM मोदी का। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक चुनाव में OPS का वादा किया था। इस तरह कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी OPS बहाल भी कर दी गई थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के चुनाव की गारंटियों में OPS को शामिल भी किया था। राजस्थान के चुनावी घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने कहा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को कानूनी दर्जा भी दिया जाएगा। राहुल और प्रियंका ने अपनी चुनावी रैलियों में दूसरे मुद्दों के साथ OPS का भरपूर समर्थन किया, फोकस दिया था। जब यह स्कीम राजस्थान में लागू की गई तब राज्य वित्त आयोग का कहना था कि इसके लिए 41,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी। वहीं बात करें तो कर्मचारी भी इससे काफ़ी खुश थे, OPS लागू हो गया था। राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, जैसे अन्य प्रदेशों में मध्य प्रदेश वगैरह चुनाव में भी इस प्रकार की घोषणाएं थी OPS को लेकर। तो अब जो सरकार बन रही है, जिस प्रकार से सरकार चेंज हो गई है, तो ये अटकलें चल रही है कि ये वापस NPS ही लागू कर दिया जाएगा। अब देखने वाला समय ही बताएगा कि क्या वास्तव में OPS लागू रहेगा या NPS कर दिया जाएगा। तो जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं उस प्रकार से संभव यही है कि अब OPS मिलना मुश्किल ही है। इसी प्रकार की एक और खबर चल रही है, जो अखबारों की बात करें तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जैसे ही चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो अब रिटर्न टू NPS की बात हो रही है, तो NPS वापस रिटर्न हो सकता है। तो इस प्रकार की ये खबरें काफ़ी वायरल हो रही है कि अब OPS जो है वापस बंद कर दिया जाएगा, जो भी NPS सिस्टम वापस कर्मचारियों के लागू कर दिया जाएगा, और ये बड़ा चेंज होगा कर्मचारियों के लिए अगर इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है इस मौजूदा सरकारों के द्वारा। तो ये कर्मचारियों के लिए तो एक प्रकार से दुख भरा ही निर्णय है, क्योंकि जिस प्रकार से एक बड़ा निर्णय लिया गया था कर्मचारियों के लिए, OPS लागू की गई थी, तो एक बड़ा सहारा था कर्मचारियों का OPS का, लंबे समय से मामला चल रहा है। अगर ये NPS की तरफ रुख होता है तो कर्मचारियों के लिए घातक ही है। कुल मिला के सरकार जो भी हो,
अगर कर्मचारियों के लिए ओपीएस रहता है तो बेस्ट है, बाकी एनपीएस तो सबको पता ही है किस प्रकार से नुकसानदेह हैं, क्योंकि ये शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो ये भी खबरें चल रही है कि बीजेपी अब वापस जो है ओपीएस की जगह एनपीएस को ही लागू कर सकती है राजस्थान छत्तीसगढ़ में। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे, आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।